हेलो एवरीवन, आपका अभी हिंदी क्लास है। तो आप पिछली क्लास में कहाँ तक सीख चुके थे? दो अक्षरों से शब्द बनाना सीखे थे, है ना? तो अभी देखिए क्या करना है आपको। यहाँ लिखा हुआ है रिक्त स्थानों को पूरा करें, मीन्स खाली जगह को पूरा करें। ठीक है, तो यहाँ क के बाद खाली जगह है, ग के बाद खाली जगह है, और च के बाद खाली जगह है, ज के बाद खाली जगह है, ट के बाद खाली जगह है, ड के बाद खाली जगह है, और यहाँ ट के बाद, ड के बाद, और उसके बाद यहाँ ब के, प के बाद खाली जगह है, ब के बाद खाली जगह है। तो जो भी खाली जगह है वहाँ पे आपको अक्षर डाल करके वर्णमाला को पूरा करना है। ठीक है, तो ये वर्णमाला से ही क्वेश्चन है। तो जो भी पूरा वर्णमाला जो है आपको कंप्लीट करना है। क के बाद क्या आएगा? ख। ग के बाद क्या आएगा? घ, अंग। उसके बाद च के बाद क्या आएगा? छ। ज के बाद क्या आएगा? छ। ट के बाद क्या आएगा? ठ। ड के बाद क्या आएगा? ढ। त के बाद क्या आएगा? थ। द के बाद क्या आएगा? ध। प के बाद क्या आएगा? फ। ब के बाद क्या आएगा? भ। य के बाद र, और ल के बाद व, प्लाक्षर के बाद मूर्धन्य, दंश के बाद ह, अक्षर के बाद त्र, ज्ञ के बाद श्र, और र के बाद ढ। इस तरीके से आपका वर्णमाला कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको अपने नोटबुक पे वर्णमाला कंप्लीटली लिखना है। ठीक है, ऐसे ही जैसे मैंने लिखा है वैसे लिख करके उसके बाद जो भी रिक्त स्थान होगा उसको पूरा करना है। ओके, इसके बाद देखिए यहाँ सीखना आपको क्या, दो अक्षर वाले शब्द। दो अक्षरों को जोड़ करके जो शब्द बनते हैं उन शब्द को आपको पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए चलिए पढ़ते हैं। क्या है? फ, और ये क्या है? ल। फ और ल जोड़ करके क्या हो जाएगा? हल। और ये है ह, ल, हल। च, ल, चल। ढ, ल, ढल। ब, ल, बल। प, ल, पल। तो आप देखेंगे यहाँ फ, ल, फल, इसके अंत में लास्ट में ल है, इसके भी लास्ट में ल है, इसके भी लास्ट में ल है। ऐसे करके आप बहुत सारे वर्ड्स बन, ये शब्द बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ व और क, व जोड़ क, व और ज को जोड़ने से क्या बना? वक बना। क्या बना? वक। ठीक है, उसके बाद क्या है? श, क, शक। थ, क, थक। ह, क, हक। ढ, क, ढक। ब, क, पक। इसके बीच सबके अंत में जो भी शब्द है सबके अंत में क्या है? क है, है ना? ऐसे करके आप और भी वर्ड्स बना, और भी शब्द बना सकते हैं। उसके बाद देखिए व जोड़ न, क्या होगा? व जोड़ न क्या हो जाएगा? वन होगा। क्या होगा? वन। ठीक है, उसके बाद म न, क्या हुआ? मन। उसके बाद ध न, धन। उसके बाद र न, रन। उसके बाद घ न, घन। उसके बाद ज न, जन। ठीक है, इसके भी जो भी शब्द है सबके लास्ट में न दिख रहा है, दिख रहा है ना? व न वन, म न मन, घ ध न धन, र न रन। तो अब अगर आपको कहा जाए दो अक्षर वाले 10 शब्द लिखने के लिए, तो आप इन सारे शब्दों में से 10 शब्द तो आराम से लिख सकते हैं। जैसे घोड़ा खल, फल, फल, गौना खल, मौना मन, ऐसे आराम से लिख सकते हैं। तो दो अक्षर वाले शब्द कैसे बने, समझ में आया आपको? कोई भी दो अक्षर को जोड़ने से शब्द बनता है, और शब्द वो होता है जिसका अर्थ निकले। जैसे फल, फल तो वह शब्द है, लेकिन अगर इसको उल्टा जोड़ेंगे ल, फल, लफ, तो लफ मिस कुछ नहीं होता है, इसका मतलब वो शब्द नहीं बना। और फल, फल है तो इसका इसका एक अर्थ है फल, आप फल खाते भी हैं, फ्रूट में फल होता है, तो ये एक शब्द है। इस तरीके से हौला हल, चौला चल, ये सब जो है शब्द है। तो ये हो गए दो अक्षर वाले शब्द। ठीक है, तो
तो आपको दो अक्षर वाले शब्द और भी ज़्यादा पढ़ना है, लेकिन अभी बस आप इतना को पढ़िए और इसे अपने नोटबुक में कंप्लीट कीजिए और इसे भी देख करके अपने नोटबुक में लिखिए। ओके बाय।